नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। दुनिया भर में इस बात को लेकर चिंता हो रही है कि कोविड नाम की जो महामारी है वो कब तक खत्म होगी। भारत में भी यही चिंता है। अभी तक इसके बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जो आंकड़े उपलब्ध हैं, खास तौर पे तीन तरह के आंकड़े कि बीमारी कब शुरू हुई, बीमारी का विस्तार किस तरह से हुआ, कितने लोग अभी भी बीमार हैं, कितने लोगों की मौत हुई है और किस तरह से इसका फैलाव हो रहा है, उसके जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके आधार पर कई ऐसे शोध संस्थान हैं जो अब बताने लगे हैं कि इस महामारी का पहला फेज जो है पूरी दुनिया में कब तक जो है वो ख़त्म हो सकता है। और जो एक आंकड़ा हमारे सामने है, और ये आंकड़ा तैयार किया है सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने। इस आंकड़े में ये बताया गया है कि अनुमानित तारीख जो है ये महामारी का जो है वो ख़त्म होने का, यानी पहले दौर के ख़त्म होने का समय क्या हो सकता है। और इसमें भी उन्होंने यही तीन बातों के आधार पर तैयार किया है कि सस्पेक्ट कितने हैं, इन्फेक्टेड कितने हैं और रिकवर्ड कितने हैं। इन तीन चीज़ों को लेकर उन्होंने अलग अलग देशों के बारे में एक संभावित तारीख की घोषणा की है जब उनका मानना है कि ये महामारी जो है वहाँ उस इस दौर, ये दौर जो है या पहला फेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जाहिर सी बात है कि आप, हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत में ये कब ख़त्म होगा। तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन जो उसका उनका आंकड़ा है उसके हिसाब से भारत में 21 मई तक ये बीमारी जो है इसमें 97% तक कमी जो है वो आ जाएगी। यानी हम मान सकते हैं कि पहला दौर जो है वो भारत में 21 मई तक ख़त्म होगा। और अब सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया में कब ख़त्म होगा। तो अगर पूरी दुनिया के आंकड़े देखें तो वो है 97% इसमें भी कह रहे हैं कि 29 मई तक लगभग जो है वो ख़त्म हो सकता है, और दिसंबर के पहले सप्ताह यानी 8 दिसंबर तक जो है करीब करीब 100% ख़त्म होने की उम्मीद की जा रही है। कुछ और देशों को देखते हैं इसके बारे में जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या अनुमान है। और उनका कहना है कि यूएस यानी अमेरिका में 97% कमी आएगी 11 मई तक। उसी तरह से इटली में 97% कमी आएगी 7 मई तक। तुर्की में 97% की कमी आएगी 16 मई तक। सऊदी अरेबिया में 97% की कमी आएगी 21 मई तक। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में 97% तक की कमी आएगी 15 मई तक। जर्मनी में 97% 2 मई तक। फ्रांस में 97% 5 मई तक। कनाडा में 97% 17 मई तक। जापान में 97% 18 मई तक। रसिया या रूस में 97% 19 मई तक। ईरान में 97% 19 मई तक। भारत, हमने पहले ही बता दिया आपको कि 97% 21 मई तक। उसके अलावा इजिप्ट यानी मिस्र 97% 19 मई तक। इंडोनेशिया 97% 6 जून तक। मलेशिया 97% 8 जून तक। मलेशिया 6 मई तक। और पाकिस्तान 97% 8 जून तक। कुवैत 97% 5 जून तक। 100 से ज़्यादा देशों की सूची उन्होंने जाहिर की है और उसके उनका जो गणित है उसके आधार पर अनुमान लगाया है कि ये तारीखें होंगी जब तक कि कोरोना का जो संकट है उस पर करीब करीब 97% का नियंत्रण हो जाएगा। उसके बाद भी 3% बचा रहेगा और जो बचा हुआ मामला है वो दिसंबर तक चल सकता है। लेकिन ये भी बता दूं मैं कि इसके साथ साथ ये भी सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि दिसंबर में ख़त्म होने के बाद अगले 1 साल या 2 साल या 6 महीने के भीतर फिर से ये महामारी नहीं फैलेगी। उसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। और इसलिए हर देश को जो है अपना अपनी जो आधारभूत सुविधाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसको बढ़ाना पड़ेगा। दुर्भाग्य यह है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी कम ध्यान दिया जा रहा है, खासतौर पर जो सार्वजनिक क्षेत्र है। और हमारे देश में के आंकड़ों को अगर आप देखें तो
हमारे यहाँ करीब करीब जीडीपी का, जो देश का जो पूरा जीडीपी है उसका 1.28% जो है वो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ा होता है, पर खर्च किया जाता है, लेकिन ये खर्च जो है काफ़ी नहीं है। ये बात जो कोविड-19 के आने के बाद हमारे सामने आ गई है। हालांकि महामारी का जो पीक है भारत में वो भी नहीं, अभी भी नहीं आया है। भारत में जो पीक नहीं आने का बड़ा कारण माना जा रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारे देश की जो आबादी है उसमें करीब करीब 35 साल से नीचे के लोग जो हैं वो 65% हैं जिनकी उम्र 35 साल का है। और अब जैसा कि हमने विभिन्न साइंटिफिक रिसर्च में देखा है कि जो युवा आबादी है उस पर ये जो बीमारी है इसका जो असर है या इसका जो संक्रमण है घातक नहीं होता है। ज़्यादा उम्र के लोग और ऐसे लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है उन पर ये ज़्यादा घातक असर करता है। भारत में और भी कई तरह के जो पहल हैं वो शुरू किए गए हैं, और उसमें एक और पहल है इंडियन साइंटिस्ट रिस्पॉन्स टू कोविड-19, यानी जो कोरोना है उसको लेकर भारतीय वैज्ञानिकों का रिस्पॉन्स। तो इसमें जो है करीब 400 वैज्ञानिक जो हैं शामिल हैं, और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय और शोध संस्थान हैं उनके साइंटिस्ट भी शामिल हैं। इनमें से सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और अशोका यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो ये सब लोग जो हैं NCR, तो ये जो हैं इनके जो 400 साइंटिस्ट हैं वो मिल करके 8 मानदंडों के आधार पर एक पूरा खाका तैयार कर रहे हैं कि किस तरह की तैयारी की ज़रूरत किस स्टेज पे पड़ेगी। और इन्होंने 8 मॉडल किए हैं, उसमें संदेहास्पद कौन से हैं वो एक्सपोज्ड जो जिनको इस बीमारी के आसपास आ चुके हैं वो लोग, प्री सिम्टोमेटिक, ए सिम्टोमेटिक, माइल्ड सिम्टोमेटिक, उसके बाद उन्होंने लिया है हॉस्पिटलाइज्ड, रिकवर्ड एंड डेड। इसके आधार पर ये जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो कई तरह की रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। एक मशहूर मैगजीन है जो ब्रिटेन से छपती है, द लैंसेट, उन्होंने भी जो है कई तरह के जो काम भारत में हो रहे हैं उसके आधार पर एक रिपोर्ट छापी, और इस रिपोर्ट में ख़ास तौर पर 2 राज्यों का जिक्र किया गया है। एक है केरल, और अब दुनिया ये मानने लगी है कि केरल में इस बीमारी को लेकर जो काम किया गया है वो निश्चित तौर पे पूरे भारत का मॉडल होना चाहिए, बल्कि दुनिया भर में कई लोग इसको मॉडल मान रहे हैं। असल में केरल में जो समस्या थी वो ये था कि पहले से वहाँ पर कई तरह की जो चीज़ें हैं वो आ रही थी, और इनके चलते केरल में तैयारी भी बहुत पहले से हो रही थी। उन्होंने जो है 1918 में भी इस तरह के एक की बीमारी फैली वहाँ पर वायरस से, और उसके बाद उन्होंने अपने बेसिक हेल्थ सिस्टम को बहुत ही इम्प्रूव किया, प्राइमरी लेवल तक इम्प्रूव किया, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की गई, और इसके चलते ही आप देखिए कि जो पहली मौत हुई थी 30 जनवरी को भारत में वो केरल में हुई थी, लेकिन केरल ने उसके बाद संक्रमण को बढ़ने नहीं दिया और उसके अलावा मौत को नहीं बढ़ने दिया। और उसके पीछे जो कारण माना जा सकता है वो ये है कि केरल ने बहुत तेज़ी से जो लोग भी इसके सस्पेक्ट हो सकते थे, जो बाहर से आ रहे थे, उनकी जांच पड़ताल की, जिन लोगों को हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत थी उनको हॉस्पिटल में रखा और उनका इलाज किया, और उसके अलावा सामाजिक जागरूकता का बड़े पैमाने पर विस्तार किया। केरल मॉडल दुर्भाग्य से भारत में, भारत सरकार इसको मानेगी या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि केरल में वामपंथी सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दोनों के बीच जो जिस तरह के राजनीतिक और विचारधारा के स्तर पर दूरियां दिखती हैं वो हैं ही। लेकिन एक और उल्लेख वो करते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा में भी इस पर नियंत्रण के लिए अच्छा काम किया गया, और उसका कारण ये था कि कई तरह के डिसास्टर जो है, समुद्री तूफान और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आती रहती हैं, उसके चलते उन्होंने जो ये डिसास्टर है यानी इस तरह के
भयानक स्थितियों के मैनेजमेंट के लिए एक तंत्र खड़ा किया है और उस तंत्र का उपयोग उन्होंने इस महामारी से लड़ने में किया और इसके चलते उनको अच्छा परिणाम मिला। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। satyhindi.com पर लॉगिन करके आप अपनी राय रख सकते हैं। उसके अलावा satyhindi.com पर लॉगिन करके जब आप जाएंगे तो आप हमसे और बेहतर ढंग से कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में एक सूचना है, कृपया उसको भी देखिए और उसके आधार पर आप कुछ अगर करना चाहें तो ज़रूर करें। हम लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर और उसके अलावा ट्विटर पर, बहुत सारे दूसरे जो सोशल मीडिया हैं वहाँ पर भी मौजूद हैं, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।